ये फोन मुझे पसंद आया इस वजह से क्योंकि इसका लुक जो है ना। तो दोस्तों और इसका सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा इसका कैमरा। ये 4K तो शूट करता ही है और इसका जो सेल्फी कैमरा है ना वो तो माइंड ब्लोइंग है। तो दोस्तों हमारे चैनल पे आपका स्वागत है, मैं हूँ टोटन रॉय। दोस्तों मैं आज दिखाने वाला हूँ आपको ओप्पो रेनो 2Z जो मैं काफ़ी यानी 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और इसका प्राइस लगभग 25,000 के आसपास है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये फ़ोन मुझे पसंद आया इसलिए इसका जो लुक आप देख सकते हैं पीछे का जो है ये पूरा ग्लास का बना हुआ है और इसका खास बात है इसका जो कैमरा है ये पूरा बैक ग्लास के अंदर ही दिया गया है। आप अगर 20-25 हज़ार के आसपास कोई फ़ोन लेना चाह रहे हैं ना तो ये फ़ोन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये है ओप्पो रेनो 2Z, आप देख सकते हैं इसमें कोई नॉच भी नहीं है और इसका जो सेल्फी कैमरा है ये पॉपअप कैमरा है। चलिए इसके कुछ फीचर्स और वीडियो सैंपल देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इस फोन का क्या स्पेसिफिकेशन है वो देख लेते हैं। इसका जो बैक कवर है जैसे आप देख सकते हैं ये इस तरह से बनाया गया है, कोई भी लाइट अगर इसके ऊपर पड़ता है तो एक अलग सा एक ग्लोइंग लाइट का फील हमें देखने को मिलता है। इसका जो डिस्प्ले है ये 6.53 इंचेस का एक एमोलेड टच स्क्रीन डिस्प्ले है जो 16 मिलियन कलर के साथ आता है और इसका रेजोल्यूशन है 1080x2340 पिक्सल और उसके साथ हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। और दोस्तों ये फोन चलता है एंड्रॉयड 9 पाई कलर ओएस 6.1 के साथ और इसका जो प्रोसेसर है वो है ऑक्टापोर 2:2.2 GHz कॉर्टेक्स A75 और इस फोन में GPU का ऑप्शन भी मिल जाता है और इसमें डेडिकेटेड माइक्रो कार्ड का स्लॉट भी दिया हुआ है। और दोस्तों इसका जो खास बात है इसका कैमरा, चलिए उस बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आपको पीछे 48 मेगापिक्सल का f1.7 का एक वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है और दूसरा 8 मेगापिक्सल का f2.2 का अल्ट्रावाइड कैमरा भी मिल जाता है और उसके साथ हमें 2 मेगापिक्सल का एक कैमरा और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर माइक्रो कैमरा भी मिल जाता है और उसके साथ हमें देखने को मिलता है डुअल फ्लैश LED HDR एंड पैनोरामा। और दोस्तों इसका वीडियो रिकॉर्डिंग का बात करें तो काफी अच्छा यह हाई क्वालिटी का वीडियो रिकॉर्डिंग हमें प्रोवाइड करता है और इसमें आप 4K 30 FPS के साथ भी शूट कर सकते हैं और HD तो है ही। इसका जो सेल्फी कैमरा है ये पॉपअप कैमरा है, इसमें हमें 16 मेगापिक्सल का 1.2 का एक कैमरा मिल जाता है और उसके साथ हमें वाइड एंगल का ऑप्शन भी मिल जाता है। और इसका खास मुझे ये लगा इसका जो पॉपअप कैमरा है उसके साइड से आपको LED इंडिकेटर भी मिल जाता है। हालांकि हमें फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग में 4K का ऑप्शन नहीं मिल जाता है, आपको 1080p में ही खुश रहना पड़ेगा। और हमें इस फोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी मिल जाता है और उसके साथ हमें फेस डिटेक्शन लॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है और इस फोन में हमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है 20W के साथ। तो दोस्तों ये तो काफी अच्छा बात है। और ये फोन का दो ही कलर वेरियंट है, एक है स्काई व्हाइट और दूसरा जो है मैं यूज कर रहा हूँ लुमिनस ब्लैक। इस फोन में एक और बात मुझे अच्छा लगा, इस फोन में आप एक साथ आप डुअल ऐप यूज कर सकते हैं, नीचे से 3 उंगली स्वाइप अप करो और मजा लो। तो दोस्तों ज्यादातर मैं तो गेम खेलता नहीं हूँ लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इस फोन पे PUBG और Asphalt 9 हाई रेजोल्यूशन पर चला के देखा, मुझे एक भी लैग इसमें देखने को नहीं मिला। आप देख सकते हैं मैंने बैकग्राउंड में काफी सारा ऐप ओपन करके रखा है तो कोई भी ऐप में हमें रिलोडिंग देखने को नहीं मिला। और इस फोन के साथ हमें एक बहुत बेहतरीन किस्म का लेदर फिनिश एक बैक कवर दिया जाता है, इसका लुक काफी प्रीमियम है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। आगे भी इस तरह वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।